देशवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कर रहे संबोधित। पीएम मोदी बोले, कोरोना संकट से निकलने में दुनिया की मदद करेगा भारत। ओवैसी का तंज, पहले घर में चिराग बाद में। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, कई महीनों से थे बीमार। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। उमा भारती, राम माधव, अनिल जैन, मुरलीधर राव समेत कई दिग्गजों को बीजेपी की नई टीम में नहीं मिली जगह। एनआईए की गिरफ्त में आया अलकायदा का 10वां आतंकी, देश को दहलाने की बना रहा था योजना। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का करेंगे उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती हुई कोरोना पॉजिटिव, उत्तराखंड में खुद को किया क्वारंटाइन। संजय राउत ने कहा, एनडीए को अब नए साथी मिल गए, जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुआ अकाली दल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखा खत, संविधान के दायरे में रहने की दी नसीहत। अमृतसर की मंडियों में धान की खरीद आज से हुई शुरू, राज्य में खरीद 30 नवंबर तक चलेगी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी का आदेश, कोरोना के मद्देनजर राज्य में इस वर्ष आयोजित नहीं होगी नवरात्रि महोत्सव। भोपाल में रेलवे अधिकारियों पर युवती से गैंगरेप का आरोप, रेलवे स्टेशन परिसर में वारदात को दिया अंजाम। एनसीबी ने जब्त किया सारा अली खान का मोबाइल, दीपिका, श्रद्धा और सारा को नहीं मिली क्लीन चिट। आईपीएल 2020 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हासिल की पहली जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया।